छिंदवाड़ा से 7 साल की बच्ची के साथ मारपीट कर दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। बच्ची को गंभीर हालत में नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना छिंदवाड़ा जिले के चौरी की है, जहां 1-7 वर्षीय बच्ची गणेश विसर्जन कार्यक्रम में गई हुई थी। तभी सुधीर सोनी नामक व्यक्ति ने बच्ची के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने की कोशिश की। मारपीट के बाद बच्ची की हालत गंभीर है। बच्ची की आंख के पास चोट आई है और उसका जबड़ा भी टूट गया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की कोशिश से इनकार करते हुए मारपीट की धारा पर केस दर्ज किया है। बच्ची की गंभीर हालत देखते हुए उसे नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मैं तो घर पे ही थी सर, ये गणेश जी विसर्जन करने के लिए कुछ बच्चों के साथ ये चली गई, तो ये बोरिंग गई शायद पानी लेने, इसको प्यास लगी, तो वो भी इसके पीछा पीछा कैसे गया ये तो मेरे को नहीं मालूम। कौन कौन? वो सुधीर सोनी। कहाँ रहते हैं? ये बच्ची के पीछे पीछे चला गया शायद वो, और इसको बोरिंग से उठा के उसने बीच मक्के में ले जा लिया, खेत के अंदर मक्का लगा है, वहां से इसको शायद पूछा कि कपड़े उतार, तो ये बच्ची ने कही नहीं उतारी, तो उसने इसके साथ मारपीट किया। चौराई हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि 7 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की घटना घटित हुई है, जो उपचार हेतु शासकीय अस्पताल माता पिता के साथ में आई है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा बच्ची व माता पिता से पूछताछ की गई। प्रारंभिक तौर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट की घटना उनके द्वारा बताई गई थी और अग्रिम उपचार हेतु बच्ची को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा रेफर किया गया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।